हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हम दिल्ली से बीर बिलिंग गए थे और बीर बिलिंग में हमने देखा था कि हम पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाए थे दोस्तों। तो आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे यहाँ पे सारे वाटरफॉल्स जो बीर बिलिंग के पास पड़ते हैं। तो बने रहिए पूरी वीडियो में दोस्तों। ये है ज़बरदस्त नज़ारा, लुक एट देम, बहुत ही सुंदर। ये रास्ता जो है ऊपर बिलिंग के लिए और वाटरफॉल के लिए जा रहा है, तो मैंने सोचा ही रास्ते में कुछ सुंदर छायाचित्र पड़े, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ऑसम। पैराग्लाइडिंग अभी तक हम कर, क्योंकि पैराग्लाइडिंग वाले जो बिलिंग वाली जो जगह है जहाँ से एक पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पर अभी भी फॉग है, क्लाउडी है। तो ये हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ और यहाँ पे रोड्स थोड़े नैरो हैं, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक बंजी जंपिंग और साइकिलिंग। और दोस्तों, यहाँ पे जो वाटरफॉल्स हैं, एक है बीर वाटरफॉल जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में, एक है बंगोरू वाटरफॉल जो कि हिडन वाटरफॉल है और बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ है। तो पहले आपको हम दिखाते हैं बीर वाटरफॉल। ये देखिए, ये है बीर वाटरफॉल। कोशिश की है हम और पास से आपको इस वाटरफॉल का नज़ारा दिखा सकें, इसीलिए हम और ऊपर आ गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये सब, ये देखिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता है और थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत होती है ऐसी जगहों पे। तो बात कर लेते हैं, अब बीर से इस वाटरफॉल का जो डिस्टेंस है वो 7 to 8 kilometers है और हम अब चलते हैं बिल्कुल नियर बाय वाटरफॉल और इन्जॉय कराते हैं आपको, बिल्कुल पास से उसका व्यू दिखाते हैं। देखिए, दोनों भी अपने फ़ोटो क्लिक्स कराने में लगे हुए हैं और आप इन्जॉय कीजिए इस वाटरफॉल को। तो दोस्तों, ये था बीर वाटरफॉल जिसको हमने आपको भी इन्जॉय कराया, आपको भी बताया और हमने खुद भी इन्जॉय किया। टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।